असलकुम प्यारे नाजरीन मैं आरजू अंसारी आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या पढ़कर आप जुमे की नमाज से पहले अल्लाह के और करीब हो सकते हैं इस्लाम में जुमे की नमाज सबसे ज़्यादा अहम है इस दिन में बेशुमार छिपे खजाने हैं जो अगर बंदा उनको हासिल करने की कोशिश करे तो यकीन महरूम नहीं होंगे एक हफ्ते में सात दिन होते हैं और इन दिनों का बादशाह जुमे का दिन है और रसूलुल्लाह तआला अलै व आलि वसल्लम ने फरमाया सारे दिनों में जुमे का दिन सबसे अच्छा है और इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ा करो क्योंकि इस दिन आप जितना भी दुरूद शरीफ पढ़ोगे वो मेरे पास आएगा आम तौर पर जुमे की नमाज के दौरान ऑफिस से लेकर शॉपिंग मॉल तक सब कुछ चलता रहता है जो कोई भी जुमे की नमाज की तैयारी करता है और जुमे की नमाज से पहले दरुज शरीफ पढ़ता है उससे तो ना सिर्फ खुदा तला और उसके रसूल सल अल्लाम राजी होंगे बल्कि बड़े अजर सवाब का हकदार होगा जुमे के दिन की खास तस्वीर मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके अलावा जब आप अपने दोस्तों से बात करने के बजाय मस्जिद जाने के लिए घर से निकलते हैं और अगर आप ये छोटी सी दुआ पढ़ते हैं सुबहानल्लाही खैन वी हम दी तो यकीन जानिए फरिश्ते उस शख्स का मस्जिद में खुले हाथों से इस्तकबाल करते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे इन जुमे के अमाल से हमें फायदा क्या होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं इससे अक्लमंदी के साथ साथ मुसलमान की रूहानियत में इजाफा होगा ये मुसलमानों को ज्यादा अल्लाह के सामने अजीज बनाता है ये खौफ और डर और सभी तरह के नुकसान से महफूज करता है साथ ही इंसान अल्लाह के हिफाजत में रहता है और वो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखता है और अल्लाह उसके लिए जो कुछ भी तय करता है उस पर मुतमयन हो जाता है इसके अलावा वो शख्स अल्लाह तआला का पसंदीदा बन जाता है लोग आम तौर पर इस रूहानी दिन का फायदा उठाए बिना सिर्फ इधर उधर की बातें करने में दिन गुजार देते हैं खुदा फरमाता है जो कोई भी वसल्लम से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है फिर क्या हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ पढ़ने और उन पर दुरूद शरीफ भेजने के लिए कुछ वक्त नहीं निकाल सकते अगर आप भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं तो चलिए पढ़ते हैं मैं आप लोगों को तीन दुरूद शरीफ बताऊंगी इसमें से आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो नंबर 1 पर है اللهم صل على محمد وعلى علي محمد نمبر دو پر اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اور نمبر تین پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى علي محمد كما بارك रीफ बताई हूँ इसमें से कोई भी दुरो शरीफ पढ़ सकते हैं तो जुम्मे के दिन का पूरा फायदा उठाए उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर मिलती हूँ अगली वीडियो में असलाम